नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मॉनसून से पहले बिहार सरकार ने किस तरह की तैयारी की है और तैयारियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, संबंधित मंत्रालय की तरफ से विधायकों से रिपोर्ट मांगा गया है, क्या किया जाएगा, हम इस पूरे वीडियो में आके हम जानेंगे। बिहार में इस बार मॉनसून समय से पहले आने का अंदेशा लगाया गया है। बिहार में मॉनसून में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद से बिहार में यानी कि बिहार सरकार लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। जल संसाधन विभाग इस साल पहली जून को ही बाढ़ संघर्षनात्मक कार्यों की शुरुआत करने वाला है, यानी कि बाढ़ के दौरान जितनी समस्याएँ आती है निकल कर, उसको लेकर जो है बाढ़ यानी कि जल संसाधन विभाग इस बार अभी से ही कमर कसकर तैयार हो गया है। पिछले साल यह कार्य जो है 15 जून से शुरू किया गया था। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों के विधायकों और विधान पार्षदों से बाढ़ की स्थिति को लेकर जानकारी ली है। बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने 18 मई को इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। सीएम नीतीश कुमार की बैठक में विधायकों और विधान पार्षदों को उनके क्षेत्र में हुए कार्यों की तैयारी के बारे में जाना था, साथ ही साथ उन्हें उनके कार्य को लेकर दिशा निर्देश भी दिया गया था। बता दें कि इसी कड़ी में 23 से 25 मई के बीच में प्रमंडलवार बैठक का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसी कड़ी में 23 मई को तिरहुत प्रमंडल, पटना, मगध और मुंगेर प्रमंडल के मंत्री, विधायक और विधान पार्षद से उनके यहाँ हो रहे कार्यों की जानकारी ली गई, साथ ही साथ इस कार्य की स्थिति के बारे में भी जाना गया। इस दौरान विभिन्न विभाग के मंत्रियों ने अपने अपने कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने अपने अपने विभागों के कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान यह भी बताया गया कि पिछले यानी कि साल 2021 की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए बांध, सड़क, पुल, पुलिया, डाइवर्जन, आहर, पैन आदि के पुनर्स्थापना कार्य एवं साल 2022 की संभावित बाढ़ तथा सुखाड़ से सुरक्षा के लिए हो रहे कार्यों की तैयारी की जाएगी, यानी कि किस तरह की स्थिति रही पिछले साल और अभी जो है किन किन इलाकों में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति हो सकती है, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से एक मोटा मोटी खाका वहाँ पर तैयार किया गया। इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सड़कों को दुरुस्त करवा लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि विभाग इस ओर भी कार्य कर रही है कि अगर बाढ़ के दौरान किसी सड़क का संपर्क टूट जाता है तो उसे अगले 48 घंटे के दौरान ठीक कर परिचालन योग्य बनाया जा सके। संजय झा ने कहा कि बैठक में जिन स्थानों पर कार्य कराने का सुझाव आया है, संबंधित विभागों के अभियंता यानी कि इंजीनियर को 2 से 3 दिनों के भीतर उन स्थानों का भ्रमण कर यानी कि निरीक्षण कर रिपोर्ट जो है विभाग को देने को कहा है और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाने की बात कही है। इस सिलसिले में 25 मई की सुबह के सत्र में पूर्णिया और सारण प्रमंडल, जबकि दोपहर के सत्र में दरभंगा, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के विधायकों एवं विधान पार्षदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने को कहा गया है। तो एक तरह से कहने की बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनके मंत्री, विधायक और विधान पार्षद, इन तीनों से लगातार उनसे उस इलाके की रपट ली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि बाढ़ की स्थिति क्या है, पिछले साल की जो बाढ़ की स्थिति थी उसमें किस तरह के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों में कितनी कमी रह गई है, उस पर आगे क्या किया जा सकता है। इन सारे बातों की जानकारी जो है बिहार सरकार 1 जून से पहले लेना चाहती है, क्योंकि 1 जून से ये उम्मीद की जा रही है कि 1 जून के तुरंत बाद ही बिहार में मॉनसून सक्रिय होगा। ऐसी स्थिति में उत्तर बिहार का वो इलाका जो कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ऐसे में बिहार सरकार इस बार अभी से ही बाढ़ को लेकर चिंता जताने लगी है। लघु एवं जल संसाधन विभाग ने बताया कि जल जीवन हरियाली के तहत 1791 योजनाएं ली गई थी, इसमें से 1439 पूरा कर लिया गया है, जबकि 294 का कार्य अभी भी जारी है। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि 26,000 में से करीब 18,000 बेंट को क्लियर कराया गया है। इस वर्ष की संभावित बाढ़ के दौरान यदि विभाग की किसी सड़क का माइनर कट जाता है तो 24 से 48 घंटे के भीतर जो है उसे पूर्ण करा लिया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि विभाग लगातार ये दावे कर रहा है कि अगर बाढ़ के दौरान संपर्क पर टूटता है यानी कि बांध,
नहर अहर पैन, और अगर सड़क जो है वो अगर बाढ़ के कारण टूटता है तो अगले 24 से 48 घंटे के दौरान उसे मरम्मत कर एक बार फिर से उस पर परिचालन करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये सारे वादे और दावे बाढ़ के दौरान कितने असरकार होंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।